अक्टूबर के मध्य से 20 नवंबर तक भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तानी क्षेत्र में कई बार घुसपैठ की। 82 आम तौर पर अपना मिशन पूरा करने के बाद भारत वापस लौट जाती थी। हालांकि 21 नवंबर से मुक्ति वाहिनी के समर्थन वाली भारतीय सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान में घुस गईं और औपचारिक युद्ध की तैयारी में वहां रहीं, जिसकी भारत को 6 दिसंबर को शुरुआत करने की उम्मीद थी। 83 भारत पाकिस्तान युद्ध अपरिहार्य लग रहा था। सोवियत संघ ने कथित तौर पर पाकिस्तान को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसे उन्होंने पाकिस्तान की एकता के लिए आत्मघाती कदम कहा था। 84 भाग 3 इस चेतावनी के बावजूद नवंबर 1971 में रूढ़िवादी पाकिस्तानी राजनेताओं के नेतृत्व में हजारों लोगों ने लाहौर और पूरे पाकिस्तान में मार्च किया, जिसमें पाकिस्तान से भारत को कुचलने का आह्वान किया गया। 85-86-23 नवंबर को राष्ट्रपति याहिया खान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 87 दिसंबर के पहले सप्ताह तक देश के रूढ़िवादी प्रिंट मीडिया आउटलेट्स ने सेना में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए जिहाद से संबंधित सामग्री प्रकाशित की थी। 3 दिसंबर की शाम को लगभग शाम के 5:35 बजे पाकिस्तान वायुसेना PAF ने 8 भारतीय हवाई अड्डों पर आश्चर्यजनक पूर्व खाली हमले किए, 88 जिसमें आगरा भी शामिल था, जो सीमा से 480 किलोमीटर 300 मील दूर था। हमले के समय ताजमहल को बहुत सारी टहनियों और पत्तियों से छुपाया गया था और बर्लेप से लपेटा गया था, क्योंकि इसका संगमरमर चांदनी में प्रमुखता से चमक रहा था। नवासी ऑपरेशन चंगेज खान के रूप में जाने जाने वाले ये पूर्व खाली हमले अरब इजराइल 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल के ऑपरेशन फोकस की सफलता से प्रेरित थे। 1967 में अरब एयरबेसों पर इजरायली हमले के विपरीत, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली विमान शामिल थे, पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कम विमान उड़ाए। 88-90 उसी शाम रेडियो पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गांधी ने कहा कि हवाई हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे। 91-92 और भारतीय वायुसेना IAF ने उसी रात शुरुआती हवाई हमलों के साथ जवाब दिया। ये अगली सुबह बड़े पैमाने पर जवाबी हवाई हमलों में बदल गए। उद्धरण की आवश्यकता, इस हवाई कार्रवाई ने एक व्यापक युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। गांधी ने सैनिकों को जुटाने का आदेश दिया और पूर्वी पाकिस्तान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। इसमें भारतीय सेना को समन्वित हवाई, समुद्री और भूमि हमलों में शामिल होना पड़ा। पूर्वी मोर्चे पर मुख्य भारतीय उद्देश्य ढाका पर कब्जा करना था और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को रोकना था। भारतीय सेना पाकिस्तानियों की तुलना में बेहतर सुसज्जित थी और संख्यात्मक दृष्टि से भी पाकिस्तानियों पर महत्वपूर्ण श्रेष्ठता रखती थी। 60 पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर जमीनी हमला किया। 60 पाकिस्तानी सेना द्वारा पश्चिमी सीमा पर प्रमुख जमीनी हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तानी जमीन में घुसने में सफल रही। इसने अंततः कुछ त्वरित और प्रारंभिक लाभ अर्जित किए, जिसमें लगभग 15,010 किलोमीटर 5,795 वर्ग मील 7-8 पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल था। आजाद कश्मीर, पंजाब और सिंध क्षेत्रों में भारत द्वारा प्राप्त की गई यह भूमि बाद में सद्भावना के संकेत के रूप में 1972 के शिमला समझौते में सौंप दी गई थी। पाकिस्तानी सेना की प्रथम कोर, द्वितीय कोर और पाकिस्तान मरीन की पंजाब टुकड़ी को बहुत अधिक नुकसान हुआ और भारतीय सेना की दक्षिणी और पश्चिमी कमानों के खिलाफ समुद्री सेना संरचनाओं के भीतर परिचालन योजना की कमी और समन्वय की कमी के कारण कई सैनिक और मरीन मारे गए। 9-4-82-93 जब तक युद्ध समाप्त हुआ, पश्चिमी मोर्चे पर सेना के सैनिक और मरीन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से अत्यधिक हतोत्साहित थे और उनमें भारतीय सेना के सैनिकों के खिलाफ रक्षात्मक लड़ाई लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। 3 दिसंबर को PAF द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद मुमताज खान की कमान में पाकिस्तानी सेना की 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड 2000 सैनिकों और तोपखाने की सहायता के साथ हुसैनीवाला गांव की ओर बढ़ी। भारतीय पक्ष ने भारतीय वायुसेना के समर्थन से 900 सैनिकों वाली लेफ्टिनेंट कर्नल शास्त्री की कमान में एक बटालियन 15 पंजाब को तैनात किया था।